जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो हम ऊर्जा संसाधन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या हैं, इसके अलावा नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या हैं, इस बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का संसार सागर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, ऊर्जा संसाधन क्या कहलाते हैं, जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है उन्हें हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ऊर्जा संसाधन जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, या तो परंपरागत या गैर परंपरागत। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या कहलाते हैं, जिनका उपयोग मानव आरंभ से ही करता चला आ रहा है, ठीक है, उनको हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या कहलाते हैं, जिनका उपयोग मानव नवाचारों के द्वारा कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोतों को विकसित कर लिया है जिनका उपयोग प्रारंभ में नहीं किया जाता था, उन्हें हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, या इन्हें हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, तो कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, खनिज तेल, सूखा गोबर और प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये सब क्या है, प्रारंभ से ही इनका उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, या इन्हें हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं, यानी कि जिनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है उन्हें हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जबकि जिनका उपयोग दोबारा किया जा सकता है उन्हें हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस।